लगता है, जहाँ पर के गोविंद जी के मंदिर हैं, राम और कृष्ण के मंदिर हैं घर घर में, और तुलसी का दिरवा है, और सब लोग उनकी पूजा करते हैं। और खाने के लिए क्या, मद्यमांस नहीं, वहां पर प्रवेश नहीं करता, वहां पर घर मक्खन है, मिश्री है, राबड़ी है, दूध है, दही है, ये सब पनीर है, चारों तरफ में बह रहा है वहां पर खाने के लिए। और दर्शन करने के लिए गोविंद जी का दर्शन, सवेरे यहाँ आरती 4 बजा घंटा हुआ, और सब एकदम विकल होकर के स्त्री और पुरुष दोनों निकल पड़ते हैं, और वहां गोविंद जी का दर्शन करके हाथ उठा करके गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल का, वो वृंदावन अच्छा। हम चाहते हैं कि सब जगह वृंदावन राम कृष्ण की पूजा हो, और सावित्री जैसी, सीता जैसी माताएं हों, गार्गी जैसी बहने हों, कन्याएं हों उनकी जैसी, और भारतवर्ष जैसा ये सब जगह वैभव और सुखी सब लोग रहे। जरा सुनिए, देखिए कैसा सुंदर का आली मोहे लागे वृंदावन हमको अभी एक याद आ गई बात, बात है करीब करीब 50 वर्ष पहले की।
जब हम मैं पहले अभी मठ में अभी आया था गुरु जी के पास, वहाँ हाई कोर्ट के एक बहुत बड़े वकील एडवोकेट बैरिस्टर ही कहिए उनको, बहुत उनकी चलती थी, बहुत रुपये कमाते थे, उनका फी भी बहुत तगड़ा था। और हमारे गुरु जी के पास में आते थे। एक बार गुरु जी कहीं बाहर चले गए थे, मैं वहाँ था, तो आए, हमसे बातचीत होने लगी। यद्यपि अभी मैं नवीन ब्रह्मचारी जैसा था, तो अभी उनसे बात होने लगी। उन्होंने कहा जी, आपके गुरु जी की एक बात मुझे बड़ी अच्छी लगती है और मैंने उसको जीवन में प्रैक्टिस किया है। जी क्या? तो ये अच्छी लगती है कि मन से समझो जी, हम कृष्ण के सेवक हैं, हमारी स्त्री भी सेवक है और ये सारा संसार कृष्ण का है। इसलिए मैं जब कोर्ट में जाता हूँ तो मुझे हजारों लाखों रुपये मिलते हैं, तो मैं पॉकेट में रख लेता हूँ, ये कृष्ण का ही पैसा है। और घर आता हूँ तो अपनी स्त्री को सभी रुपये दे देता हूँ, ताकि ये कृष्ण की सेविका, और मैं समझता हूँ कि मैं कृष्ण की सबसे अधिक सेवा करता हूँ, दिन रात उन्हीं की चिंता करता हूँ, जैसे ये सब रुपया कृष्ण की सेवा में लग रहा है। हमने कहा जैसे आपने तो बहुत अच्छा सोचा, तो अपनी स्त्री को ही कृष्ण की सेविका कैसे क्यों समझते हैं आप? जगत के सभी लोगों को समझिए, ये सभी कृष्ण के सेवक हैं, हमको भी समझिए, इनको भी समझिए, उनको भी सुनिए, रास्ते के गरीब हैं उनको भी समझिए, ये कृष्ण के सेवक हैं। आप तो वकील हैं बहुत दिमाग वाले, तो आप समझिए। तो नहीं, ये कैसे हो सकता, ये नहीं, हमारी स्त्री ही सेविका है, उसको मैं दे देता हूँ और वो सब कुछ भगवान की सेवा के लिए कर। मैंने कहा आपने गलत समझा, ऐसा नहीं, आप सबको समझिए, ये सभी कृष्ण के सेवक हैं, और फिर सम दृष्टि से रहिए, तब मैं समझूंगा कि हाँ अपने गुरु जी की बात समझ। तो उस समय तो नहीं मैंने, किंतु हुआ क्या, कुछ दिनों के बाद में उनके लड़के भी हाई कोर्ट में थे एक, उन्होंने उनसे सब कुछ लिखवा लिया, अपनी सारी संपत्ति, उनके और भी लड़के थे, किंतु उसने कुछ ठगबाजी करके, खिला खिला करके, दे करके, जबरदस्ती उनको घर में बंद करके सब कुछ लिखवा लिया और उनको कुछ ऐसा खिला पिला दिया ये वो पागल हो गए, अंत में कहीं कहीं नहीं रहे, एकदम पागल हो गए। और कुछ दिनों के बाद में ऐसे ही हा हा मैं मरा करते हुए, वहां पर वकालत नहीं चलती। और एक साधारण सा आदमी जिसको कुछ बुद्धि नहीं है, कुछ नहीं है, घर का सारा काम करता है, गरीबों पर दया भी करता है, हृदय का बड़ा निर्मल है और सब पर भाव रखता है, जिसको जो जरूरत होती है उसकी सेवा करता भी है और कभी कभी हरि नाम भी कर लेता है। तो वो देखा, कहा भाई आज हमको बुलाहट आ गई है, हमको जाना है, हमको अभी घर यहाँ पर गोबर से लीप दो नीचे और हमको कुश बिछा करके बैठा दो, सुला दो। बोले अरे आप तो भले चंगे हैं, ये झूठ मूठ का ऐसा क्यों कराते हैं भाई, हम जो कह रहे हैं तुम करो, तो बेटों को कह। तो उन लोगों ने गोबर लिप दिया और ले करके कुश बिछा दिया और उस पर उसको बैठा दिया और वो भगवान का स्मरण करते बस ऐसे ही शरीर को छोड़ दिया, जैसे सांप अपने ऊपर के खुलास को छोड़ देता है, चमड़े को छोड़ देता है, ऐसे सहज रूप में बस। कौन अच्छा है, वो अच्छे हैं, नहीं ये अच्छे हैं, सरल हृदय से घर में रहते हुए भी भगवान का स्मरण करके सब पर दया हो, सबका देखता है और भगवान को भजन भी थोड़ा सा कर लेता है, प्रणाम कर लेता है, केवल घर से निकलता है तो उनको प्रणाम कर, प्रभु मैं तुम्हारा, और किसी के प्रति कपटता नहीं, छल नहीं, किसी का धन नहीं हड़प लें, झूठ रुपये से किसी का जबरदस्ती ट्विस्ट करके ले ले पैसा, ऐसा मत करेंगे, उसकी हाय लगती है। गरीबों को कभी कभी मदद भी कर देना चाहिए तो आपकी रोजगारी और बढ़ेगी, पैसे भी मिलेंगे और आपका हृदय भी बड़ा निर्मल, जब वहां से आएंगे तो कहेंगे आज मैंने किसी की सहायता, बहुत हृदय प्रसन्न है। इसलिए भगवान का जरूर स्मरण होना चाहिए, वहां पर बुद्धि और दिमाग नहीं लगता है, वहां तो ये रहता है जय प्रभु मैं तुम्हारा हूँ, बस यही
उसके लिए जाने के लिए पाथे माने यही होता है, पाथे को क्या कहते हैं, अरे ये कहीं जाने के लिए टिकट का पैसा, किराया का पैसा, कहाँ जाना है हमको पता है, कहाँ कहाँ जाना है, मृत्यु के बाद में कहाँ जाएंगे, अभी से संग्रह करके कुछ रखो और वो पैसे नहीं होंगे, प्रभु का नाम। मूर्ख हैं, पंडित हैं, विद्वान हैं, धनी हैं, गरीब है, अमीर है, पैसे में कुछ हरिनाम का करने में पैसा नहीं, बस प्रभु का नाम करो, ये तुम्हारे को हौसागर से उतार देगा। बूढ़े होने पर क्या स्थिति होगी अभी से सोचो, क्या होगी स्थिति अभी से सोचो, भगवान ने तभी शरीर ठीक दिया है, यदि ऐसा ना हो कि कहीं शरीर पंगु हो जाए, पैरालिसिस ना हो जाए, फिर क्या होगा, बुद्धि धरी के धरी रह जाएगा सब, इसलिए अभी से प्रभु से प्रार्थना करो, बड़े दयालु उन्होंने अच्छा शरीर दिया है, सोचने के लिए बुद्धि दिया है, काम करने के लिए शरीर दिया है, अच्छी पत्नी दिया है, बेटे दिए हैं, बस सबको लेकर के भगवान का स्मरण करके अपना अपना काम अच्छा कैसे करो, भगवान का स्मरण करो, जीवन में सुखी रहने की यही कुंजी है। मेरी हिंदी समझ में आ रही है, कुंजी माने चाबी है, की है, गौर प्रमानंद आप ही कर लो, से हो जाएगा, होने की क्या सब अच्छा कीर्तन कर दो। श्री गुरु चारा पदमा के माला श्री गुरु छोटे बड़ा ना बड़ा है कौन पढ़ा है वकील होगी पढ़ते हैं देखिए आप लोगों को भी कहा अच्छे कामों में लज्जा नहीं करनी चाहिए चोरी करने में घूस लेने में बदमाशी करने में शराब पीने में बीड़ी सिगरेट पीने में धूम्रपान करने में किसी को ठगने में इसमें दूर रहना चाहिए इसमें लज्जा की बात भगवान का नाम इस कर्ण में संतों के समाज में बैठने में इससे उल्लास और आनंद होना चाहिए एक समय की बात है कि किसी जंगल में एक सभा बैठी उसमें सिंह भालू गधे घोड़े खच्चर सुअर और सब जितने भी जानवर हैं सब प्रकार के उसमें आए सिंह को वहाँ पर राजा बनाया गया प्रेसिडेंट और सभी लोग वहाँ पर बैठे उन लोगों ने मीटिंग की कि आजकल मनुष्यों का उत्पात कुछ अधिक बढ़ गया है हम निरीह आदमियों को जंगल में उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ते तभी हमारा शिकार खेलते हैं हमारे मांस खाते हैं हम लोगों को कभी कभी यदि भूख लगती है कोई उपाय नहीं होता है तो हम लोग कभी कभी जिसमें गाय तो कभी नहीं करती उसको भी मार करके काट करके खाते हैं सब जो माँ का काम करती है दूध देती है सबके लिए बराबर हिंदू मुसलमान क्रिश्चियन ईसाई सबके लिए बैल सबके लिए काम करते हैं घोड़े सबके काम के लिए करते हैं ये बकरी घास चरती है दूध देती है मैया जैसा और उसको भी मार करके ये खा जाते हैं ये नमक हरामी बदमाश सब
तो इसका प्रतिकार होना चाहिए। अच्छा ये बतलाइए, वहाँ पर श्रीगाल जानते हैं जैकल करते हैं जैकल, उसने कहा जैसे भाई मैं ये पूछता हूँ कि ये हम लोगों से श्रेष्ठ कैसे है, मनुष्य किस विषय में श्रेष्ठ है। अच्छा आप लॉजिक के द्वारा बतलाइए जो मनुष्य कैसे उन जानवरों से, गधे से, घोड़े से और सुअर से, वो कैसे लॉजिक के द्वारा हमको बतलाइए थोड़ा सा एक दो पॉइंट आर्गुमेंट कीजिए थोड़ा सा बतलाइए। ये सुअर से, गधे और कुत्ते से मनुष्य श्रेष्ठ है, इस चीज को बतलाइए हमको, किस विषय में श्रेष्ठ है, क्या करने से श्रेष्ठ। उनके तरफ मैं देख वो आपसे सीनियर हैं, पीछे बतलाएंगे आप बतलाएंगे किस लिए श्रेष्ठ है, नहीं बतला सकते। वो कहता है जैसे ये लोग कहते हैं कि श्रेष्ठ है, किंतु वो कह रहा है कि देखो हम लोग किस विषय से मनुष्य श्रेष्ठ है, वो लोग विवाह शादी करते हैं, हम लोग को बिना विवाह शादी के ऐसे ही हमारी स्त्रियां जाती हैं, उनको एक बच्चा पैदा होता है, हमको 16-16, 20-20 बच्चे पैदा होते हैं, एक कुत्ते को, कुतिया को भी 16 बच्चे पैदा हो जाते हैं, सुअर को भी 16 बच्चे पैदा हो जाते हैं, और उनको वर्ष में 2-3 बार भी हो जाते हैं, और उनको तो एक बार किसी को है ही नहीं है बेटा बेटी, खिझकते हैं। अच्छा खाने के विषय में दिन रात परिश्रम करते हैं, घूस लेते हैं, चोरी बेईमानी इधर का उधर का सब कर करके किसी प्रकार से पैसा ले आ करके खाते हैं पीते हैं, वो भी क्या करते हैं खाते हैं अच्छा खाना भोजन, तो चले जाते हैं होटल में किसी, और वहां पर एक डिश का दाम कितना, कितने डॉलर्स, $500, और है क्या मांस मछली ऐसे गंदे, और हम लोगों के लिए कुछ भी नहीं, रसोई नहीं बनाते हैं, पका पकाई सुअर के लिए, जानते हैं खाना में क्या है, सुअर आदमियों का टट्टी को खा लेती है बस, उनके लिए गलीचे की सोने की जरूरत नहीं, घर महल की जरूरत नहीं है, जहां पर भी गड्ढे और पानी गंदा मंदा जैसा भी वहीं पर सो जाते हैं, 5 लड़की की 10 लड़की है या 50 लड़की, उसको चिंता नहीं, विवाह देने की ये दिन रात नींद ही नहीं आती है, कहाँ से रुपया है, कैसे लड़की की शादी करेंगे, आप लोगों को लड़कियों की शादी में खर्च होता है कुछ, भारतवर्ष में तो एक लड़की की शादी में कितना रुपया खर्चा, जो बेचारे गरीब आदमी हो जाते हैं, उनको नींद नहीं आती है, इंजेक्शन लेते हैं, गोलियां खाते हैं, कभी नींद नहीं आती, अधिक ले लिया तो मर भी गए। तो इस विषय में हम लोगों को कोई चिंता नहीं है, न खाने की न पीने की, और वो भी अपने प्राण से डरते हैं। अभी अमेरिका ने इराक पर क्यों हमला किया, इराक उनका क्या बिगाड़ रहा था, क्या बिगाड़ किस लिए, हम जापान में हिरोशिमा के ऊपर में उसने लाखों लोगों को मार डाला बम, क्या उसने बिगाड़ा, कंट्रोल करने के लिए उनको, और उनसे कुछ अपना प्रभुत्व कायम करके अपना राज्य जमाने के लिए, डर ये कहीं हमसे बड़ा ना हो जाए, अमेरिका को इस समय सबसे बड़ा डर यह है कि हमसे कोई बड़ा होकर के हमको न मार डाले, हमारे देश पर शासन न कर डाले, इसलिए पहले से ये सब करते हैं। तो यदि भाई भी हमको भी कोई मारने आता तो हम भी डरते हैं, तो इस विषय में भी वो श्रेष्ठ नहीं है, तो किस विषय में श्रेष्ठ। हाँ एक विषय हो सकता है, ये ज्ञान सुन करके पशुओं को ये सत्संग नहीं है, मनुष्यों को ये सभी विचार कर सकते हैं, और हम जान सकते हैं कि हम यह शरीर नहीं है, यह शरीर आप नहीं है, आपका नाम क्या है, सच जरा बोलेंगे, झूठ मत बोलेंगे, सच बोल रहे हैं, ये शरीर का नाम है ना आपका नाम है, आपका शरीर है कि आप हैं ये शरीर, व्हाट इज द डिफरेंस बट बिटवीन यू एंड दिस बॉडी, ये शरीर आप नहीं है, इसके अंदर में है, ये आपका शरीर है आप नहीं है, जैसे आपका कपड़ा आप नहीं है, कपड़ा नहीं है, वैसे ही आपका शरीर है इसके अंदर में है, जिस समय आत्मा निकल जाएगी ये शरीर का मूल्य नहीं, उसको जला देंगे तो भी कोई पाप नहीं लगेगा, कोई केस नहीं होगा, और ऐसे कोई जला दे तो मर्डर केस हो जाएगा, एकदम मर्डर के लिए केस हो जाएगा, और मरे हुए आदमी को जलाते हैं तो मर्डर केस जलेगा चलेगा नहीं, क्योंकि आत्मा निकल गई, इसलिए इस शरीर से आत्मा भिन्न है,
और जान करके उसको रियलाइज करने की चेष्टा करते हैं, वो मनुष्य मनुष्य है और बाकी सब पशुओं के समान है। इस रियलिटी को समझना इस जन्म में, यही बुद्धिमत्ता है, यही लॉ और कानून और सब कुछ यही है। इस चीज की रियलिटी को समझें कि हम झूठ अभी बोल रहे हैं ना? ये आपके पिताजी हैं, ये बात ठीक है ना, सत्य है ना? आप कैसे कह सकते हैं कि ये सत्य है? आप बतलाइए हमको, कोई लॉजिक से हमको बतलाइए ये आपके पिता है, है? भैया के तरफ में मत देखो आप लॉयर है, ऐसे लॉयर के पालने आप भी पड़ गए इसलिए इस चीज को मैया के ऊपर में विश्वास करना पड़ेगा। इसी तरह से साधु संत लोग हैं जो ऊपर समझने वाले वेद शास्त्र, ये झूठ नहीं, गीता झूठ नहीं बोलेगी, मैया झूठ बोल सकती है किसी हालत में, यदि बदमाशी उसने की होगी तो झूठ बोल सकती है, किंतु गीता भागवत रामायण पुराण ये शास्त्र झूठ नहीं बोल सकते। इसलिए ये समझिए आपका सौभाग्य है कि हम लोग आपके घर में आए, ये दो चार बातें बतला रहे हैं। इसलिए तुम सवेरे जब निकलना प्रैक्टिस के लिए तो प्रभु प्रभु में हमको सद्बुद्धि दीजिए, हमको स्ट्रांगनेस दीजिए कि मैं सत्य की रक्षा कर सकूं। झूठ लोगों का, झूठे लोगों का, बेईमान लोगों का अधिक प्रैक्टिस ये मत करेंगे, डिफेंड मत करेंगे। जो सत्य पथ पर चल रहा हो उससे आपकी वकालत और बढ़ेगी, बुद्धि और का विकास होगा, रुपया भी कमाएंगे, जस भी कमाएंगे और भगवान के चरणों में आपका प्रेम भी होगा। इस तरह से आप लोग सुखी रहेंगे। आ रहा है समझ में ना? सवेरे जाएंगे प्रभु को प्रणाम करके जाएंगे, माता पिता को प्रणाम कर लेंगे, ऐसी लज्जा लगती है तो मन ही मन में मैया का तो जरूर छू लेना पड़ेगा, और छू करके अपना काम करो सब अच्छी तरह से। भगवान का जरूर मानना, नास्तिक नहीं बनना चाहिए। इस शरीर की और बुद्धि का कोई भी भरोसा, कोई भी बल नहीं। वकील के तो बात ही कहा, कितने लाखों लोगों को वकील, वो अधिकतर ब्लड प्रेशर के बीमारी होते हैं और मर जाते हैं, भगवान का नाम भी नहीं आता, क्योंकि दूसरों की चिंता करते 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 करते। आप दूसरों की इतना चिंता मत करेंगे, सहायता करेंगे कानूनी, किंतु फ्री रहेंगे, उनका सब कुछ बर्डन लेकर के आप चिंतित होकर के अपना गरीब शरीर मत खराब करें। भगवान का स्मरण करेंगे, जो कुछ मिल रहा है ठीक है, और सत्य पक्ष का जहां तक हो सके सत्य पक्ष का पक्ष लेंगे और प्रभु को स्मरण करेंगे, आपको इंटेलिजेंस देगा, आर्गुमेंट के लिए आपको ऐसे युक्तियां देंगे, सुखी रहेंगे आप लोग, सब सुखी रहें, ये आपको आशीर्वाद देगा। एक कीर्तन कर दो, हम लोग चलें। ठीक है, मैं बहुत खुश हुआ आपकी, इन्होंने हमको बुलाया बड़े आदर के साथ से, और आप लोगों से भी परिचय होगा, आपके बच्चे से भी परिचय होगा, फिर अगली बार आएंगे तो फिर भेज दूंगा। राधे राधे गोविंदा, Thank you.
आपने समझा, हिंदी जानती हैं, थोड़ा थोड़ा जानती है ना, समझी तुमने क्या कहा? बहुत कुछ। और वो लड़की, यू अंडरस्टूड समथिंग, यू नो हिंदी? यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग, वेरी गुड। सब लोगों को हिंदी सीखना चाहिए, उसमें बहुत अच्छे अच्छे उपदेश हैं। अंग्रेजी में ऐसे उपदेश अच्छे नहीं। बहुत अच्छा रहा, मैं बहुत खुश हुआ। तो मैं चलूं, मेरे लिए समय हो गया, चला जा। बहुत अच्छा, मैं बहुत यू अंडरस्टूड व्हाट आई टोल्ड माय आर्गुमेंट्स? Who will tell? You ये तुम्हारा गारमेंट है, तुम्हारा गारमेंट है तो तू तो नहीं हो कि तुम ही गारमेंट हो। लॉजिक को समझो, ग्रेजुएशन तो जरूर किया होगा। तो ये तुम्हारा कपड़ा है ना, तुम कपड़ा नहीं। ये तुम्हारा केश है ना, तुम केश है। वैसे ये तुम्हारा शरीर है, तुम नहीं है, तुम इसके भीतर में आत्मा हो, इस चीज को समझो। उसका नाम तुम नहीं जानते, बड़ा सुंदर उसका स्वरूप, और कभी जन्मता मरता नहीं है, और वो भगवान का अंश है, प्यारा है। अभी हम उसको भूलने से ये सब कर सकते। अभी तुम्हारे पति बदल जाएंगे, जन्म नहीं तो जन्म में फिर बदल जाएंगे। हो सकता है कि पुरुष हो जाएगी, वो स्त्री बन जाए, स्त्री की चिंता करते, और तुम पुरुष चिंता करते कर। और यदि भगवान का भजन नहीं किया तो पशु पक्षी, कीट पतंग, गधे, घोड़े, सुअर आदि भी हो सकता है। इस चीज को अच्छी तरह समझ। इसलिए मरते समय जैसी चिंता होगी वैसे ही जन्म होगा, इसलिए क्यों नहीं भगवान का चिंता किया जाए? वही परम पति हैं, परम पिता हैं, वही सब कुछ है। इसलिए रोज उनका एक चित्र रखना, कमल का ऐसे फूलते देना, मैं जैसे तुम्हारी बेटी हूँ, तुम हमारे पिता। इस रूप में भी तुम उनका स्मरण करके तक ये तुम्हारा सुहाग अचल रहेगा। किसी भी जगत के प्रति इस चीज को ये समझना, अगली बार आएंगे तो तुम्हारे गले में भी माला दे देंगे, और तुम भगवान का भजन करेगी, और तुम्हारा सुहाग अच्छा बचेगा। ठीक है बात? और मैया जी, अब अगली बार आऊंगा तो देखूंगा मैया जैसा कपड़ा। ठीक, नहीं अगर तो एक इसके पास नहीं होगा तो आप दे देंगे। ठीक, एक कीर्तन इनको सुना दो तो भाई कोई अच्छा। जय जय राधा रमण Thank you.
जय जय